दोस्तों आज आईसीसी वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान पांचवें और इंग्लैंड सातवें नंबर पर है, मगर मुझे डर है कि एक साल गुजर जाने के बाद या टी20 वर्ल्ड कप जब आएगा तो इंग्लैंड की टीम कहां पे होगी और पाकिस्तान की टीम खुदा ना खासा इंग्लैंड से पीछे ना हो। मुझे डर क्यों है कि इंग्लैंड की इतनी बुरी कारकर्दगी के बावजूद भी वो शोर और वो चीखो पुकार वहां पे नहीं है जो पाकिस्तान में है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो मुझे लगता है कि शायद नहीं आनी चाहिए। उनमें क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है। मैं दो क्रिकेटर्स की आज एग्जांपल्स और उनके थोड़े से पुराने आपको क्लिप दिखाऊंगा जहां पे आपकी काफी चीजें ना आपकी खुलेंगी, आपको अंदाजा होगा क्योंकि हमारे हम जल्दी भूल जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको जल्दी से वो क्लिप दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी वही क्रिकेटर्स पहले क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल है, एशिया कप जब पाकिस्तान टीम जा रही थी यही वसीम अकरम थे, यही वकार यूनुस थे, यही आकिब जावेद थे, यही रमीज राजा थे, सभी यही क्रिकेटर्स थे। राशिद लतीफ कह रहे थे हमारी टीम नंबर वन है, ये टीम तो फेवरेट है, किसी से नहीं पकड़ी जाएगी। उस वक्त किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सब बातें आज हो रही हैं। सब ने कहा कि हमारी टीम नंबर वन है, फिर एशिया कप में हारे तो पता लगा नहीं खामियां, फिर वर्ल्ड कप में हमारे साथ जो हुआ उसके बाद लगा नहीं ये टीम भी बुरी, सिस्टम भी बुरा, क्रिकेट बोर्ड भी बुरा, कप्तान भी बुरा, सब बुरे, तब सब बुरे हो गए। जबकि डेढ़ माह पहले, दो माह पहले सब कह रहे थे कि नंबर वन है और हम ही जीतेंगे और हम ही फेवरेट है। कोई एक क्रिकेटर का मुझे नाम बता दें जो कह रहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। क्या उस वक्त ये सारा सिस्टम, यही कप्तान, यही खिलाड़ी नहीं थे? थे ना। अब मैं आपको रमीज राजा का छोटा सा क्लिप दिखाता हूं और फिर उस बात के ऊपर आता हूं। सो हमें देखना है कि जो बेंच प्लेयर्स हैं इनमें टेम्परमेंटली कितने स्ट्रांग हैं। सो ठीक करें, मेरे ख्याल से एक आधे को कभी चांस मिल जाता है, बट ओवरऑल थीम जो है वो यही है कि अभी जो है ना एक्सेलरेटर से पैडल मत हटा, अभी जीत रहे हैं आप, ये कॉम्बिनेशन बना, बहुत मुद्दतों के बाद आपका ये कॉम्बिनेशन बना है, यानी कि हम सबको अब पता है कि आपके ओपनर कौन है, वो किस स्पीड से खेलेंगे, तीन पे क्या, चार पे क्या होने वाला है, आपका एक वो आइडिया हो रहा है एक सीक्वेंस का। ये इनकी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है, एटलीस्ट मतलब मैं जब से कमेंट्री कर रहा हूँ पिछले 10-15 सालों में ऐसी टीम को लड़ते हुए हमने देखा नहीं है। ये तो एक मैं आपको क्रिकेटिंग एस्पेक्ट बता रहा हूँ। दोस्तों रमीज राजा का अपने क्लिप देखा, उन्होंने बोला कि ये टीम काफी सालों के बाद पाकिस्तान की बनी है, इसको नहीं छेड़ना। तो किसने छेड़ा? ना नजम सेठी साहब ने छोड़ा, ना जुकाश साहब ने छेड़ा, टीम तो वही है। कोई एक क्रिकेटर बताएं जो रमीज राजा साहब के टाइम का था और जिसके से पाकिस्तान जीत रहा था और आज वो नहीं है टीम का हिस्सा। सभी इस बात में मान रहे हैं कि 2-2.5 सालों से जो टीम बाबर आजम की कप्तानी में बनी वही टीम खेली। और दूसरी बात कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो हैं वो क्रिकेटर नहीं है, बहुत से क्रिकेटर्स इस बात के ऊपर आते हैं, राशिद लतीफ ने भी बात की, रमीज राजा साहब ने भी बात की, बट मुझे लगता है कि इंडिया की टीम सबसे अच्छा खेल रही है तो क्या जय शाह क्रिकेटर है? और दूसरा इसका लॉजिक बड़ा ठोस लॉजिक है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चले जाएं जो क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल सामने है, वहां पर अख्तर रसूल साहब, आसिफ बाजवा साहब, शहबाज सीनियर साहब, कासिम जिया साहब, सब वो थे जितने भी सरबराह पिछले 12-15 वर्षों में गुजरे हैं, सबके सब ओलंपियन थे, मगर हॉकी बदतरीन फेज में चल रही है पाकिस्तान की। वो तो उनके सरबराह हॉकी फेडरेशन के सब ओलंपियन थे, आज भी सेक्रेटरी एक ओलंपियन है, तो वहां पे हॉकी क्यों नहीं बेहतर हो रही अगर किसी खिलाड़ी ने ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर आके चीजें ठीक करनी है तो वहां पे क्यों ठीक नहीं हो रही है? और उसके अलावा दूसरा लॉजिक, पूरे वर्ल्ड बॉडी में, क्रिकेट की वर्ल्ड बॉडी में, यानी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, या चारों टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं, उनमें से बताएं कितनों के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के वो क्रिकेटर हैं। तो पॉइंट ये है कि वैसे आपस की बात है, रमीज राजा साहब भी उसी सिस्टम के जरिए आए जिस सिस्टम के जरिए नजम सेठी साहब आए या जुकाश साहब आए। सिस्टम तो वही एक ही है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है तो वो, आप इनको अच्छा कहें या बुरा कहें, इस पर मोहम्मद आमिर ने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया। उन्होंने बोला कि इसी सिस्टम के अंदर रह के हमने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, इसी सिस्टम में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इसी सिस्टम में हमने 1992 का जीता, इसी सिस्टम में हम टेस्ट नंबर वन भी रहे। तो सिस्टम तो वही है, टीम बुरा अच्छा खेलती है तो इसके ऊपर बात है। अब मैं आपको आकिब जीत की एक बात रिमाइंड करवाता हूँ। आपको याद होगा आकिब जीत साहब ने कहा कि नसीम शाह से ज़्यादा बेहतर बॉलर जमान खान है, आपको याद होगा 2 माह पहले की उनकी स्टेटमेंट है। और आज आकिब जीत कह रहे हैं कि मैंने कब कहा था कि हारिस रौफ जो हैं वो वनडे के भी बॉलर हैं। वो जमान खान जिन्होंने फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ उनको वो नसीम शाह से अच्छे बॉलर कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि मैंने कब कहा कि ये वनडे के, उस वक्त वो कह रहे थे कि नसीम शाह की जगह पे जमान खान को वनडे में होना चाहिए, आज वो कह रहे हैं कि मैंने कब कहा कि हारिस रौफ जो है वनडे के बॉलर है। तो क्या कोलैप्स जब होते हैं ना, आप हारते हैं, कोई ऑन करने को तैयार नहीं होता। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाने वाला हूं मोइन खान साहब का, ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी, हम आज इसलिए इस जगह पे खड़े हैं कि
जब ये साबिक क्रिकेटर्स को बोर्ड में बुलाया जाता है इनकी बातें और होती हैं, जब ये बोर्ड में नहीं होते या बोर्ड वाले चले जाते हैं तो इनकी बातें और होती हैं। अब मैं मोइन खान साहब का, और भी क्रिकेटर्स हैं, लेकिन मैं आपको मोइन खान साहब का एक क्लिप दिखाता हूं, जब रमेश राजा साहब का पहला दिन था क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो उनके क्या ख्याल थे, और जिस दिन रमेश राजा साहब का आखिरी दिन था उनके क्या ख्याल थे। पहले आप पहले वाला देखें। कॉल ऑफ फेल में कहीं कोई तजाद नजर नहीं आया और अपना करियर भी उन्होंने इसी तरह खेला और एग्रेसिव क्रिकेट खेली है और ऐसे कप्तान के साथ खेली है, तो नेचुरली वो जो एग्रेशन इमरान भाई का है वो आपको नज़र आएगा। और जैसे रमीज़ भाई ने कहा है कि वो कुछ डिलीवर करने आए, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है किसी किस्म की, बिकॉज के ये सीन एवरीथिंग इन दिस फर्टर्निटी, ठीक है ना, कप्तानी भी कर लिया है, वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, कॉमेंट्री भी दुनिया में कर लिया है। ख्याल है कि इमरान भाई के साथ चूँकि रमीज़ भाई ने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है, नेचुरली वो चीज़ टोटली रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करती भी उनकी पर्सनालिटी में। दोस्तों, अपने मोइन खान साहब के मुंह से तारीफ सुनी रमेश राजा साहब के लिए कि कमाल कर देंगे। अब मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जब रमेश राजा साहब का आखिरी दिन था तो मोइन खान साहब ने क्या कहा था। एक अच्छा सफिशिएंट टाइम मिला था रमेश राजा को अपनी वर्थ प्रूफ करने का, कोई भी वहाँ पर खुश नहीं था, यू नो, और उसको अथॉरिटी नहीं दी जा रही थी, सिंगल हैंडेडली जो है वो बोर्ड को रन किया जा रहा था। आई थिंक सेठी साहब के आने से कम ये होगा, एक मैच्योर इंसान है ऑलरेडी एज चेयरमैन काम कर चुके हैं। तो सो एक ही क्रिकेटर हैं, एक चेयरमैन के बारे में बोल रहे हैं, दो मुख्तलिफ राय कैसे हैं? ऐसे आप मुझे कहेंगे ना, मेरे पास ढेर लगे हुए क्लिप्स के जो मैं आपको निकलवा के दिखा सकता हूं कि ये सब क्रिकेटर सब के सब कह रहे थे कि पाकिस्तान फेवरेट है और वर्ल्ड कप भी जीत सकता है, सब कह रहे थे। मैं ये कहता हूं, हम क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, हम क्रिकेटर नहीं हैं, हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम कमेंट कर सकते हैं एंड ऑफ द डे पे, मगर क्रिकेटर को पहले पता होता है क्योंकि वो खुद क्रिकेटर हैं, वो कह सकते हैं कि यार नहीं ये टीम अच्छी नहीं है, वो बुरी है, मुझे लगता है कि उसमें कोई एक क्रिकेटर बताएं जिसने एशिया कप वक्त कहा हो कि पाकिस्तान टीम कमज़ोर है, सबने बोला कि इंडिया को पछाड़ के रख देंगे हम लोग, सब बोल रहे थे। मैं आपको, मेरे पास वीडियोज़ पड़े हैं, अगर आप कमेंट के सूरत में बताएंगे तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिनमें आकिब जुवेर साहब भी हैं, जिनमें मोइन खान साहब भी हैं, वकार यूनुस साहब भी, ये राशिद लतीफ़ साहब भी हैं, मैं आपको सबके क्लिप निकाल के दिखा सकता हूँ कि हम सबसे तगड़े हैं। मगर अब हम सब बुरे हैं, सिस्टम भी बुरा हो गया, तो कहने का मतलब है दोस्तों ये हार होगी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हार से आगे तभी बढ़ेंगे जब सब मिलके चलेंगे। अगर हमने पिन पॉइंट करना है अपनी जाती दोस्ती और दुश्मनी की वजह से, तो फिर आप क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे, फिर आप अपनी पर्सनल पे बात कर रहे हैं, फिर आपका जो मर्जी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आप शायद अचीव कर लें, मगर यह टीम की हालत नहीं सुधरेगी, ये वैसी रहेगी क्योंकि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। दोस्तों आपके क्या राय है, कमेंट के साथ में जरूरत है कि मित्र सप्ताह के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।